हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाला ग्लोबल शेयर के रिगार्डिंग, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया होगा कि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा एक जो रिवर्सल ले रही है, उसके बाद मार्केट अबव साइड में जाएगी। हमने जो एक प्लान किया था, जो हमारा सपोर्ट था 8.25 का था। अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में भी चेकआउट कर सकते हैं। 8.25 का एक हमारे लिए पॉइंट था एंड एक हम लोगों ने रेजिस्टेंस रखा था, इसके ऊपर ही यहीं तक रखा हुआ था हमने। हाँ, मुझे याद है अच्छे से, इसलिए रखा था बिकॉज ये अगर आप पॉइंट देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये जो रेजिस्टेंस देखेंगे तो आगे चल के जो रेजिस्टेंस से ब्रेक हो चुका है, उसके बाद अगर मार्केट एक डिप लेगी तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बिहाफ पे भी। प्लस अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड भी हमारा पॉजिटिव ही है एंड 20 मूविंग एवरेज भी इसी के राउंड फिगर में ही है। तो यहाँ पे एक इतनी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से मार्केट एक अबव साइड में जा सकती है। तो जितने लोगों ने वो वाली पुरानी वाली वीडियो देख कर यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, उनको अभी PNL मतलब ग्रीन में ही होगा, प्रॉफिट चल रहा होगा। एंड यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन साइड में थी, उसके बाद अपसाइड, उसके बाद डाउन साइड, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, एक यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन किया है। फिर इस सपोर्ट को देखेंगे तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे रिस्पेक्ट भी किया है। एंड अगेन नेक्स्ट जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा अभी रिसेंटली, वो हमें फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 9.95 का टारगेट रहेगा। एंड हम लोग सेकेंड टारगेट इसके ऊपर का ही हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे एग्जैक्टली। मतलब टारगेट तो खैर बहुत बड़ा भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। लगभग अगर ये वन साइडेड मूव यहाँ पे इसने दे दिया ना इसको ब्रेक करके, तो ये 18 तक का टारगेट जा सकता है। जो लोग दो महीने तक वेट कर सकते हैं, इवन एक महीना भी, मतलब एक महीना तो नहीं है, एक महीने भी हो सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स मैं दो महीने मान के चलती हूँ, है ना। दो महीने में इसका प्राइस 18 तक भी जा सकता है। इसका रीज़न है कि ऑल ओवर जो मार्केट है वो पॉजिटिव है, हमारी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, अपने हाई को अगर ब्रेक किया, इसने हाई को ब्रेक किया है तो अगर आप पीछे देखेंगे तो कहीं भी यहाँ पे ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं, एकदम फ्लैट मार्केट गिरी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने अगर अपने हाई को निकाला यहाँ से तो सीधा टारगेट बनेगा हमारा 18 रुपये का। तो इसके अकॉर्डिंग है एंड सारी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से दिख रही हैं, यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, डर के हमारे एग्जिट नहीं करना है एंड ना ही फोमो में एंट्री लेनी है। दो चीज़ों पर हमें कंट्रोल होना चाहिए, पहला हम लोग फोमो में एंट्री नहीं लेंगे, दूसरा ये कि हम लोग यहाँ पे डर के मारे एग्जिट भी नहीं करेंगे, राइट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा टेक्निकल देखेंगे। यहाँ पे टेक्निकल देखने के बाद अगर हम देखेंगे कि अगर मार्केट हमारे फेवर में है या मार्केट से यहाँ से रिवर्सल या पुलबैक आ सकता है और हमने ट्रेड यहाँ पे बना रखा है, तो हम यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे उस हमारे SL या टारगेट जाने तक, राइट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्यारा सा बेल आइकन दिया होगा वो नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो एंड आप कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इवन अगर किसी शेयर के रिगार्डिंग आपका एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।